तो अगली हेडिंग कपल की है। कपल क्या होता है? कपल ऑफ फोर्स कहेंगे आप इसको, ज्यादा बेटर तरीके से लिखा सकते हैं कपल ऑफ फोर्स। ठीक, कपल ऑफ फोर्स। सब कुछ किताब में लिखा सही हो ऐसी गलतफहमी मत पालिए अपने मन में। तो द पेयर ऑफ फोर्सेज फॉर्म बाय द एक्सटर्नल फोर्स, द पेयर ऑफ द फोर्सेज फॉर्म बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ रिएक्शन इज अ कॉल्ड कपल। ठीक है। एक कपल के बन, ये जो कपल का फोर्स है इसके बनाने के लिए एक और टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। या एक काम करो यार, ये डेफिनेशन छोड़ो, ऐसे जो तुम्हारी किताब में लिखी वो हम लिख देते हैं, टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एक लाइन में एक्ट नहीं करने चाहिए, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, फॉर्म अ कपल, फॉर्म अ कपल, ठीक, फॉर्म अ कपल। अब इसको तुम, इसको और अच्छा समझने के लिए, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक पाना है, ये तुम्हारी कार में होगा, ये देखो, ठीक है। अब जिस पेज को हमें खोलना है उसको हम यहां नट में फंसाएंगे और इस पाने में एक ऐसे भी हैंडल बना हुआ होगा, ये हैंडल। अब आप कभी अगर मैकेनिक को इसको खोलते हुए देखेंगे तो मैकेनिक एक फोर्स इधर से लगाएगा और एक फोर्स इधर से लगाएगा, तो ये फोर्सेस पैरेलल हो गए, ये फोर्सेस पैरेलल हो गए, है ना, और मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, हमने मान रखा है फोर्सेस पैरेलल हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, भाई इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये क्या बना रहे हैं, ये कपल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कपल। और ये रेंच का एग्जाम्पल है, क्या है ये, रेंच का एग्जाम्पल। आओ मूवमेंट ऑफ कपल निकाल लें, अगली हेडिंग जो है हमारी, तो ये था कपल, इससे भी आपको जो है ये टर्निंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। अगर आप किसी बॉडी पर दो फोर्सेस जो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, दो फोर्सेस जो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो और एक दूसरे के अगर पैरेलल लगा दोगे, जैसे आप अपने कार की स्टीयरिंग घुमाते हो, ये क्या आपने दोनों हाथों से फोर्स लगाते हो और ऐसे ऐसे घुमाते हो, देखो बेटा ये टर्निंग इफेक्ट, ऐसे गोल गोल घूम रही है स्टीयरिंग, गोल घूमती है ना, तो इसे भी उससे क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट आता है। कार को जब आपको घुमाना आता है तो आप स्टीयरिंग ऐसे ऐसे करते हो, ये देखो ये टर्निंग इफेक्ट है, क्योंकि तो दोनों मतलब इस हाथ का टार्क और इस हाथ का टार्क एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, या तो क्लॉकवाइज सेंस में या तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो जब दोनों टार्क की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, अरे दोनों दोनों के सेंस सेम हो जाएंगे, सॉरी डायरेक्शन नहीं, सेंस सेम अगर हो जाएंगे तो फिर वहां मूवमेंट ऑफ, अरे कपल बनेगा और फिर हमें वहां मूवमेंट ऑफ कपल निकालना होगा। तो मूवमेंट ऑफ कपल निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा मसला आपको नहीं सॉल्व करना है, मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल देखो कैसे निकाला जाएगा, मूवमेंट ऑफ कपल, कंसीडर अ रॉड, कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ डी पाइवोटेड एट मिड पॉइंट, पाइवोटेड एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से इसको हमने पाइवोट कर रखा है, ठीक, ये देखो ये रॉड, इसको हमने मिड पॉइंट से पाइवोट कर रखा है, पाइवोट करने का मतलब क्या, इसी पॉइंट के अबाउट वो मोशन करेगी। अब मान लो
कि हमने इसके ऊपर दो फोर्सेस लगाए, एक फोर्स इधर लगाया है ठीक और एक फोर्स इधर लगाया है, देख लेना भाई, यानी इसकी टेंडेंसी इधर घुमाने की, इसकी टेंडेंसी इधर घुमाने की। मैंने आपसे क्या कहा था, दोनों के टॉर्क का सेंस अगर सेम डायरेक्शन में आया तो फिर वो मूव कपल बनेगा और कपल का मूवमेंट ऑफ कपल निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, मूवमेंट ऑफ कपल निकाला जाएगा। चलो बेटा इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, है? अगर अकॉर्डिंग टू अजम्पशन हमने इसको डी माना है तो क्लियर कट बात है कि एओ डी बाई टू होगा और बीओ भी क्या होगा, डी बाई टू होगा। ठीक है, देखते जाओ ध्यान से। क्या अब सबसे पहले आप निकालो मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एफ एक्टिंग एट पॉइंट ए, ये हो जाएगा एफ इंटू ओ ए, यानी एफ इंटू डी। कौन सा सेंस है बेटा ये? ये कौन सा सेंस है? अब इससे पिछले वाले व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ था एंटी क्लॉक वाइज सेंस है, तो इसे आप ACW लिख लीजिए, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक, डी बाई टू मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसी तरीके से इसको लिखेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एफ एक्टिंग एट पॉइंट बी, ये हो जाएगा एफ इंटू ओ बी, यानी एफ इंटू डी बाई टू, ये भी ACW है। ठीक है, अब दोनों का हमने वो निकाल लिया, दोनों का फोर्स हमने निकाल लिया, दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स हमने निकाल लिया, एक का मोमेंट ऑफ फोर्स एफ इंटू डी बाई टू आ गया, दूसरे का भी मोमेंट ऑफ फोर्स एफ इंटू डी बाई टू आ गया। तो अब टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स या कपल क्या हो जाएगा, ये वाली जगह जरा सा ले रहे हैं तो देखिए, अब अगला बोर्ड करने से अच्छा कि यही इसी में बता दें। तो नेट मोमेंट ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ फोर्स, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, यही देख लीजिए आप, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स भाई, ये वाला एफ इंटू डी बाई टू और ये वाला एफ इंटू डी बाई टू, यानी एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी, दैट इज एफ इंटू डी बाई टू प्लस एफ इंटू डी बाई टू, ये क्या हो जाएगा एफ इंटू डी, ये आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ टू, मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ कपल, ये मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्या आया, कपल आया। ठीक है, ये क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ कपल। अच्छा, इसकी फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, जाहिर सी बात है जब ये भी ACW ये भी ACW तो फिर ये भी क्या होगा ACW, समझ गए भैया, ये इसके बाद का है, इसके बाद की लाइन है यहाँ, ये फार्मूला लिखाइए, अभी घबराइए नहीं, न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, इसी में डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर खत्म पर है। ठीक है, दो तीन बातें और बतानी है उसके बाद चैप्टर खत्म पर, तो वीडियो को पॉज करके मूवमेंट ऑफ कपल और ये भी आप पूरा नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले तो हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे अगले इसमें, इक्विलिब्रियम हम बात करने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम की, इसकी बात करने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब बहुत सीधा सिंपल और साफ सा है। देखो बेटा, जैसे एक ब्लॉक है, अभी इसके ऊपर फिलहाल कोई फोर्स नहीं लगा है, ठीक है, आपने इस ब्लॉक को एफ फोर्स से इधर भी पुल करना शुरू किया, पुल, और इतने ही फोर्स से आपने इधर भी पुल करना शुरू कर दिया, ओफो, इधर भी पुल करना शुरू किया और उधर भी पुल करना शुरू किया, तो एक बात बताओ, दो फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, यानी नेट क्या हो जाएगा जीरो, क्या फोर्स हमने नहीं लगाया, बिल्कुल लगाया,
लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे हैं तो फोर्स लगाने के बावजूद भी वहां पर कोई मोशन नहीं है, इसे हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब इसी से समझ में आ सकता है कि आप इक्विलिब्रियम का सीधा साधा मतलब जो आप निकालोगे, इक्विलिब्रियम इट इम्प्लाइड दैट एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स की वैल्यू जाने लो, वेक्टर साइन हटा लो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। नेट फोर्स जीरो अगर हो जाए तो फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो इसका सीधा मतलब होता है ए नेट इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्सीलरेशन भी जीरो। अब एक्सीलरेशन अगर जीरो हो गया तो फिर दो बातें आ जाएंगी। क्या होंगी वो दो बातें? या तो वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट या तो वी की वैल्यू जीरो, यानी या तो बॉडी रेस्ट पर है और या तो बॉडी मोशन में है। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो इक्विलिब्रियम स्टैटिक, अगर बॉडी मोशन में है तो फिर इक्विलिब्रियम डायनामिक। तो ये है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक, स्टैटिक, और ये है डायनामिक। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, वॉट एवर मे बी द नंबर ऑफ द फोर्सेस। नंबर ऑफ द फोर्सेस जाने दो, हमने दो के थ्रू लिया, आप चार के थ्रू ले सकते हो, तीन के थ्रू ले सकते हो, लेकिन अगर बॉडी में एक्सीलरेशन नहीं हुआ तो फिर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अगर एक्सीलरेशन नहीं हुआ तो फिर वहां दो बातें हो सकती हैं, या तो बॉडी स्टेशनरी रह जाए, अगर बॉडी स्टेशनरी रह गई तो फिर उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, और अगर बॉडी मूव कर गई तो उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, then a number of forces acting on a body produces no change, ध्यान रखिएगा ये उधर लिखा, produces no change in its state of rest, no change in its state of rest or state of रेस्ट और ऑफ लीनियर आर ऑफ लीनियर और रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन मतलब बहुत सारे फोर्सेस लगाने के बावजूद भी बॉडी में किसी तरीके का कोई लीनियर मोशन ना हो, कोई रोटेशनल मोशन ना हो, तो बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, देन बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगी, ठीक है, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, वैसे मैंने ऊपर पूरा लिख दिया है इक्विलिब्रियम का सार। ये टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? दो होती है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की दोनों टाइप, एक आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और दूसरा आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्या है भाई? डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या लिखेंगे? व्हेन अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ several forces, then it is said to
बी इन स्टैंडिंग इक्विलिब्रियम, ये स्टैंडिंग इक्विलिब्रियम में कहना ही। अब देखो स्टैटिक में ये हो गया रिमेन्स एट रेस्ट, अब इसी को इस डायनेमिक में लिखना आसान हो गया। वेन अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन, स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस के लगाने के बावजूद भी वो किस में रहे, स्टेट ऑफ रेस्ट में, अरे मोशन में रहे, तो उसे क्या कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे सेवरल फोर्सेस, देन बॉडी इज सेट टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सेट टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, पूरा कर लेना ये सेट टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, अगर बहुत सारे फोर्सेस के इन्फ्लुएंसेस के बावजूद भी बॉडी रेस्ट की स्टेट को ना चेंज करे या अपनी कांस्टेंट रोटेशनल या लीनियर मोशन को ना चेंज करे, तो फिर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में होने का मतलब नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है तो फिर नेट एक्सीलरेशन जीरो है, अगर नेट एक्सीलरेशन जीरो है तो फिर दो बातें हो सकती हैं, अगर वेलोसिटी जीरो हुई तो फिर इक्विलिब्रियम का नाम स्टैटिक, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो फिर इक्विलिब्रियम का नाम डायनामिक। ये पूरा मैंने आपको बता दिया, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बुक जब तक नहीं खोलोगे कोई फायदा नहीं होगा, मैं लेक्चर देता जाऊंगा आप नोट करते जाओ, खुश रहो भैया। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया जिस पर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है हर साल या हर दूसरे साल, यानी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इसको मैं मिटा रहा हूँ, चैप्टर आपका खत्म, 1A लगभग खत्म पर है, अंतिम चीज बाकी है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अच्छा ये समझ तो लो लेकिन इसके ऊपर सवाल करना जरूरी है, इसीलिए इस चैप्टर के तुरंत बाद मैं आपके, जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा तो नीचे मैं आपको न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट भी लेकर भेज दूंगा। अब मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं, अब क्योंकि न्यूमेरिकल का मामला इतने न्यूमेरिकल है तो हम जहां से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा रहे हैं वो पन्ना हम आपको पोस्ट कर देंगे। अब ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर आपके पास वो नई वाली बुक होगी तो जाहिर की बात है वो स्कूल से मिली थी तो उसमें वैसे ही दिया हुआ, अगर नई वाली बुक नहीं है तो फिर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि न्यूमेरिकल आप वहां से उठा के नोट कर लें, उसे सेव कर लें, है ना, और फिर बाद में उन न्यूमेरिकल के जब हम ये वीडियो में अगली वीडियो इसी वीडियो में कंटिन्यूएशन में हम न्यूमेरिकल भी इसके सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेटर अच्छे से समझ में आ जाए, न्यूमेरिकल का छोड़ेंगे नहीं, अब तीनों चैप्टर मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल साथ साथ चलेंगे हमारे। ठीक है बच्चों, तब हमें करना क्या, अब हमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट देखना है, क्या देखना है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, अब हमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स देखना है। ठीक है, क्या कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ये कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स, द अलजेब्रिक, एक मिनट यार जो एक चीज हम भूल गए थे दिमाग से उतर गया, पहले वो बता ले फिर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बताएंगे, पहले रुक जाओ इम्पॉर्टेंट जो है उसे बताना जरूरी, पहले रुक जाओ, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ये इम्पॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, कंडीशन नंबर एक क्या, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, पहली कंडीशन ये है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। ठीक,
द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन इक्विलिब्रियम को अचीव करने की होती है द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी, द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। तो ये दो कंडीशन होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है राइट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या ये क्वेश्चन आ सकता है राइट व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड क्लासिफाई इट टाइप्स। तो आपको फिजिक्स में अगर ये क्वेश्चन आया है तो फिर आपको स्टैटिक और डायनामिक के टर्म्स में करना है। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और कुछ बातें आपको बता देंगे, कृपया वीडियो देखें, आप ही के लिए इतनी मेहनत की जा रही है एक बात। दूसरी बात यह है कि आप लोग किताब कॉपी पे सब कुछ नोट करें, और आपको मैं असाइनमेंट जबरदस्ती क्यों दूं जब आपके पास इतनी बढ़िया एक सेलिना की बुक है, उससे बड़ा क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन ना आए उसे हमसे पूछो। वैसे न्यूमेरिकल तो मैं इसके बाद की वीडियो में, चूंकि चैप्टर खत्म, ये चैप्टर वन खत्म हो रहा है, तो इसके बाद की वीडियो में पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पढ़ाऊंगा और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी कैसे कराऊंगा उसकी टेक्निक भी मैं अगली वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ।